उत्तर प्रदेश के बांदा पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने का कार्य किया। वहीं गैंग में शामिल अन्य 5 आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताते चलें, पकड़े गए गैंग के द्वारा पहले ट्रकों की चोरी की जाती थी, इसके बाद ट्रकों को काट कर अलग अलग स्थानों पर बेचने का काम किया जाता था। इस गिरोह के द्वारा यह कार्य काफ़ी लंबे समय से संचालित किया जा रहा था, जिस पर पुलिस की लगातार निगाहें बनी हुई थीं, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरे खुलासे के दौरान शहर कोतवाली SOG टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरे मामले का अनावरण किया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा सराहनीय कार्य को देखते हुए दोनों टीमों को 25,000 रुपये की धनराशि पुरस्कार के तौर में देने की घोषणा की है। एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये SOG और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया है, जिसमें एक खड़ा ट्रक, एक कटा हुआ ट्रक, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, बहुत सारी सामग्री लगभग जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और ये अंतर्राज्यीय गैंग है, यहाँ से ये ट्रकों को काटते थे, उसके बाद कबाड़ी देते थे, कबाड़ी इसको फिर ग्वालियर में भेजता था। इसमें अभी इसको और डेवलप किया जा रहा है, जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, 5 लोग वांछित हैं। इससे पहले भी ये लोग कोई वारदात कर चुके हैं, चोरी? हाँ, इससे पहले भी इसी तरह के मोटरसाइकिल काटने में और ट्रक काटने में जेल जा चुके हैं। कहाँ सामान भेजा करते थे काट कर, कोई जानकारी? अभी तक जो जानकारी है कि ग्वालियर में भेजते थे, वहाँ से कागज़ वागज़ बना करके वो फिर अपने हिसाब से भेजता था। थैंक यू।